दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप टीम इंडिया को इंग्लैंड में जीता हुआ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों भारत इंग्लैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में तीसरे टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल जारी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 329 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में इंग्लैंड 161 रनों पर ऑल आउट हो गई है। अब इंग्लैंड टीम भारत से 168 रनों से पीछे है। कीटोन जेनिंग्स और एलिस्टर कुक के बीच पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई जिसने टीम को मजबूत शुरुआत दी। कुक 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगली ही गेंद पर कीटोन जेनिंग्स 20 भी चलते बने। इसके बाद इंग्लैंड के विकेटों का पतझड़ लग गया। ओले पोप 10, जो रूट 16, बेन स्टॉक्स 10, जबकि जॉनी बेयरस्टो 15 ही रन बना सके। आखिरी विकेट के लिए जोस बटलर और एंडरसन ने टीम की भागदौड़ संभाली, लेकिन ये जोड़ी भी ज्यादा रन जोड़ने में कामयाब नहीं रही। जोस बटलर आखिरी विकेट के तौर पर आउट होने वाले बल्लेबाज बने। उन्हें बुमराह ने शार्दुल ठाकुर के जरूर कैच आउट किया। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 5 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए। ईशांत शर्मा ने 2 विकेट चटकाए। भारत की शुरुआत अच्छी रही और शिखर धवन लोकेश राहुल के बीच पहले विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी हुई। धवन ने 35 जबकि राहुल ने 23 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा 14 सस्ते में आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच चौथे विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी हुई जिसने टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। रहाणे ने 81 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि विराट कोहली 97 शतक से महज 3 रन से चूक गए। हार्दिक पांड्या 18 को छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए लाया गया, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर सके। अपना डेब्यू टेस्ट खेल रहे ऋषभ पंत 24 ने दूसरी गेंद पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। पंत के आउट होते ही विकेटों का पतझड़ लग गया। आलम ये रहा कि टीम इंडिया ने 6 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। विपक्षी टीम की ओर से जेम्स एंडरसन, स्टड ब्रॉड और क्रिस वोक्स को 3-3 जबकि आदिल राशिद को 1 सफलता हाथ लगी। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच में जीत हासिल कर पाएगी? इसका जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।